हमारा छेका नहीं है, बीरबल की खिचड़ी है, खिचड़ी। तुमने कभी कवियों को कहते हुए सुना नहीं है कि प्रेम की मेहंदी का रंग जितना धीरे धीरे चढ़ता है उतना ही ज्यादा गाढ़ा होता है। लेकिन हमारी मेहंदी कहीं कटोरे में ही ना सूख जाए। मुझे तो लगता है ये जो छेका है ना, ये किसी डायनासोर का अंडा है। कि पास जाता हूँ ना तो मम्मी डायनासोर काटने दौड़ती है। इसलिए तो कभी कहते हैं, प्रेम ना बड़ी उपजे, प्रेम ना हाथ बिकाई, राजा प्रजा जिस रुचे पीस दे ले जाई। डैड, आप सच में सुपर डैड हो। जो काम कोई भी नहीं कर पाया ना, आपने वो ऐसे कर दिया। अरे बेटा, वो तेरी सहेली है तो मेरी मदद करना तो बनता ही है ना। सीखो कुछ अपने डैड से, इतने डिफिकल्ट टाइम में भी अपने दिमाग को बिल्कुल कूल रख के पूरी सिचुएशन को हैंडल कर दिया। सन, तुम भी ना, ये सारी चीजें मुझे पहले से ही आती हैं। ये सब मेरे जीन्स में है। आखिर अपने डैड की बेटी जो हूँ, सीखने की क्या जरूरत है ना डैड? बिल्कुल। तुम्हारे जीन्स में क्या है ना वो दिखता है, तुम्हारे पर्स में क्या रहता है वो तुम्हें पता नहीं होता। वो तो मेरा पर्स इतना बड़ा है ना, इसलिए। दूसरों पे हंसना अच्छी बात है सन, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दूसरों पे हंसते वक्त कहीं तुम्हारे दांतों में लगा हुआ चावल ना दिख जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चले तो थे अंग्रेजी सीखने और क्लास से बंगला बोलते हुए बाहर निकले। पता है संत, असल में पेरेंट्स अपने बच्चों के दुश्मन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बच्चे उनसे अपनी बातें छिपाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके माँ बाप उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जबकि वही बच्चे ये भूल जाते हैं कि उनकी खुशी का ख्याल उनके माँ बाप से ज्यादा और कौन रख सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों से ज्यादा उनके फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद होते हैं, और तुम लोग तो अपने दोस्तों के लिए फिक्रमंद थे, तो ऐसे में मेरा मदद करना तो बनता ही था। झूठ कहे तो कहो सी पांडे, इतना ना चाकने की जरूरत नहीं है। वैसे भी छेके का लट्टू ना अभी तक तुमने चखा नहीं, और अगर चख भी लिया होता ना तो हम ना तुम्हारी हलक में से निकाल लिए होते। अभी का सपना जैसे तुमने तोड़ा है ना, तुम्हारा भी सपना ना हम तोड़ कर रहेंगे। अरे भाभी, आप वहां खड़े होके क्या कर रही हैं? इधर आइए ना। देखिए ना, हम शिव और गौरी के छेके की बात कर रहे हैं और कितना मजा आ रहा है। झूठ कहे तो कहो तुलिका, अरे जैसे ना ये छेका नहीं अल्प मत की सरकार हो गई। जब चाहे जब गिरा दिया और जब चाहे सरकार बनाने के लिए ना दावा पेश कर दिया। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, अब बहुमत सरकार बन गई है। सुनो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या नीरज भैया का फोन, अब हम अभी आते हैं। मजा तो अब आएगा जब शिव और गौरी का छेका हो जाएगा और फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाएगी और फिर हम लोग साथ में हनीमून में चलेंगे। कितना मजा आएगा, है ना सर? Yes, baby. नमस्ते भैया। नमस्ते की बच्ची, तूने हमें बताया क्यों नहीं? वो तुम्हारी दादी अम्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि गौरी का छेका होने जा रहा है। वरना तेरा बस चलता ना तो तू शादी के बाद ही बताती, है ना? क्या भैया, आप भी अभी तो बात पक्की हुई है। और रिश्ता पक्का हो गया है ना तो कम से कम फोन ही कर देती पगली। लेकिन तेरे पास समय कहाँ होगा, तू तो व्यस्त होगी शिव जी के साथ बम्बई में, है ना? अच्छा आप ये बताइए कि आप कब आ रहे हैं? हाँ हाँ गौरी, हम कुछ देर में ही एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। 11 बजे की फ्लाइट है और हम ठीक 2 बजे अपनी बहन के पास पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, हम अभी जाकर भाभी को बताते हैं, वो आपको लेने आ। ना 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 गौरी, भाभी को कुछ मत बताना, हम सीधा उसको सरप्राइज देंगे, अप्रैल फूल बनवाएंगे हम लोग उसको। अच्छा ये बता कि तुझे यहाँ से क्या चाहिए? नहीं भैया, आप बस जल्दी से यहाँ आ जाइए, आपके बिना मजा नहीं आ रहा है। अच्छा बच्ची, अब 10 मिनट पहले तुझे अपने भैया की याद भी नहीं आ रही थी। अब हमारे बिना मजा नहीं आ रहा, हम सब समझते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम फोन रखते हैं, आकर बात करते हैं, अपना ख्याल रखना। ठीक है? ठीक है। शिव का मैसेज, कहाँ हूँ मैं, अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ से बात करने के चक्कर में हम भूल ही गए कि शिव हमारा वेट कर रहा है। लेकिन इसे भी ना खुशी ज्यादा बर्दाश्त है, सफा बैठे
कैसे समझाएं इसे कि हमारा आना कितना मुश्किल है। पंडित जी, आपने वो पंचांग देखकर हमारी बिटिया के छेके का समय तो निकाल लिया होगा ना? जजमान, आपने जैसे ही कहा था मैंने देख करके सब चीज तय कर लिया। अभी से एक घंटा तक राहु का काल चल रहा है और उसके बाद हम लोग छेके का रस्म पूरा कर सकते हैं। अरे तो पंडित जी, एक घंटे की कौन सी बड़ी बात है? अरे देखते देखते उड़नछू हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक चुटकुला सुनाता हूँ और आप लोगों का खून बढ़ाता हूँ। तो चुटकुला कुछ ऐसे है कि एक बार एक जेब कतरा एक आदमी की जेब से पर्स निकाल रहा था, तो आदमी ने देख लिया और जेब कतरे का हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या कर रहे थे? तो जेब कतरा बोला, भैया मैं माचिस ढूंढ रहा था। तो आदमी ने आंखें निकाल कर गुस्से से बोला, मांग नहीं सकते थे क्या? तो जेब कतरा भी बड़ी शान से बोला कि मैं अजनबी लोगों से बात करना पसंद नहीं करता।